सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने शायके होटल वालों का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। एहतजाज के बाद एम्प्रेस मार्केट के सामने का रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अपडेट कर रहे हैं आपको, होटल वालों का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज जारी है। मनाजर आपको दिखा रहे हैं। एहतजाज के बाद एम्प्रेस मार्केट के सामने का रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने शायके होटल वालों का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। तफसीलात के लिए अनुषा जाफरी से बात करेंगे। अनुषा, बताइएगा क्या मुतालबात रखे जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है कि जिनके लोग हैं वो आते हैं और हमारा जो पराठे बनाने का सामान है, जो चाय बनाने का सामान है, जो दीगर जो कोचों की चीजें होती हैं उठाकर ले जाते हैं और 30,000 रुपए भत्ता मांगते हैं। ऐसा जो मुझे वाले ने इल्जाम किया है, इनका ये कहना है कि जीएमसी वालों को जब तक भत्ता दो तब तक कुछ नहीं करना, भत्ता मांगने ना दो तो फिर ये इस तरीके के ऑपरेशन के नाम पर तमाम से चीजें हमारी उठाकर ले जाते हैं। सुबह भी जो है जीएमसी कामला जो है हमारा सामान सारा उठाकर जो है वो ले गया है, हमारी चीजें भी जो है वो तोड़ तोड़ कर दी है। इसी वजह से जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। जितने भी वर्कर थे होटल के वो रोड पर बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा जो है वो ये कंजेस्टेड एरिया बन चुका है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों को गुजरने में काफी मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जो खातून एक खातून जो है वो गाड़ी में गुजर रही थी उस रोड से, उसको भी जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद वो खातून जो है वो गाड़ी से उतरकर तलकलामी उसकी शुरू हो गई थी एहतजाजी मुजाहरीन से, जिसके बाद जो है वो पुलिस एहलकारों ने जो है वो आकर जो है वो तल कलामी दोनों की बंद करवाई और खातून को जो है वो एहतजाजी मुजाहरीन को जो है पुलिस ने जो है वो साइड करके जो है खातून को बाकायदा तौर पर वहां से गुजरने की इजाजत दी। क्योंकि खातून जो है वो काफी ज्यादा परेशान थी और वो हाजिर हो रही थी। उसका ये कहना है कि रोड ब्लॉक होने की वजह से काफी मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और ट्रैफिक पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो मौजूद है, लेकिन वो रोड खुलवाने में दोनों नाकाम नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है वो दूसरे रोड पर साइड पर मोबाइल लेकर मौजूद है और कुछ एहलकार जो है वो पैदल जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन से बातचीत करने में मसरूफ है। जो लोग गुजर रहे हैं मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों में, उनको आने जाने में काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो रही है, क्योंकि पूरा रोड जो है वो बंद हो गया और बीच में जो है वो कच्चे के अंदर आग तक लगाई गई है। काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है, लेकिन और साथ में ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक घंटा होने वाला है इस रोड को जो अभी तक खोला नहीं गया और मुजाहिरीन ऐसे ही जो पठान चाय का होटल है का वहां पर ये मौजूद है। फिलहाल जो है वो जितने इनके मालिक है, जो मालिक है इसका वो भी मौजूद है और जो काम करते हैं वो भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि सामान तक जीएमसी कामला हमारा सामान उठाकर ले जाता है। हमारा मुतालबा ये है कि जो जीएमसी कामला हमारा सामान उठाकर लेकर गया वो हमें वापस किया जाए। जी अनुषा, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने शायके होटल वालों का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस एम्प्रेस मार्केट के सामने का रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद थी। अनुषा, एक बार फिर से हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम सदर इम्प्रेस मार्केट के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो चाय के होटल वालों का एहतजाज जारी है, एहतजाज किस वजह से किया जा रहा है हमारे साथ मौजूद है। चाय बताइए, कट करके दोबारा है, फोन आ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हम सदर इम्प्रेस मार्केट करे हैं। सदर इम्प्रेस केएमसी के खिलाफ जो इंक्रोचमेंट होती है उस पर क्या वाकया हुआ था, आग लगा के एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहत है कि आपको सड़कों पे आना पड़ा? ये केएमसी वाले जो ना यहाँ पर बार बार आते हैं हमें तंग करने के लिए, ताकि भत्ता हम दे सके। ये लोग जो है ना 30,000 रुपए भत्ता मांग रहे हैं, भत्ता न देने की वजह से जो है ना ये इन लोगों ने हमारा होटल को टारगेट किया हुआ है। टारगेट किया हुआ है, आके सामान उठाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, बच्चों को डराते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। अभी भी आया था, पिस्टल दिखा कर बच्चों को डराने की कोशिश किया था इसने। सीसीटीवी लगी नहीं आपके यहाँ? नहीं नहीं, सीसीटीवी नहीं लगी हुई है। कितने बजे आए थे ये? ये अभी तकरीबन आधा घंटा के 10:30 बजे 11 बजे तक ये लोग आए थे। हम अपना हमारा मुतालबा ये है कि इन लोगों से कि हमारा सामान वापस कर दे। सामान में क्या-क्या लेकर गए? ये जो पराठे वगैरह पकाते हैं ना वो मेल वगैरह, हाँ ये सामान उठा के ले गया और हाँ ले के गया। पर इन लोग हमारा मुतालबा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आप क्या कह रहे हैं, क्या तोड़ दिया हमारा कफेट? तोड़ दिया हमारा, घी गिरा दिया इसमें रोड पे, चीनी वगैरह सारा दूध गिर गया हमारा, हमारा टेबल उठा के। कितने बजे हुआ है ये? 10:30-11 बजे हुआ है। बिल्कुल, ये केएमसी वाले जो है इनका सामान उठाकर ले गए होटल वालों का, जिस पर ये पराठा वगैरह बनाते हैं और लोग आकर जिस पर ये होटल का काम करते हैं। ये बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट के सामने होटल कायम है, अब से कुछ एक घंटा पहले ये सामान लेकर गए उठाकर। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि आग लगा रहे, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे, रोड बंद है। इनका यही कहना है कि जो केएमसी वाले हमारे साथ सामान लेकर गए वो वापस करें और हमें हरासा करना बंद करें, और अगर
हम जो है वो कुछ बोलते हैं तो पैसे तलब करते हैं, भत्ता तलब करते हैं, ये इल्जाम आयद किया गया है होटल वालों की जानिब से। और अब से कुछ देर पहले ये वाक्य पेश आया जिस पर ये अपना एहतजाज अब सदर इम्प्रेस मार्केट के रोड पर रिकॉर्ड करा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अनुषा जाफरे, आप हमें अपडेट कर रही थी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने चाय के होटल वालों का एहतजाज जारी, पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद है। एहतजाज इंक्रोचमेंट की वजह से किया जा रहा है। होटल के बाहर मौजूद इंक्रोचमेंट हटाने पर होटल वाला एहतजाज कर रहा है। एक बार फिर से अनुषा से बात करेंगे। अनुषा अपडेट कीजिएगा, कुछ देर कबल आप बता रही थी कि पुलिस मोबाइल और ट्रैफिक पुलिस नाकाम दिखाई दे रहे हैं इस एहतजाज के सामने, और अभी बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्यों ये नाकामी नजर आ रही है। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकार तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन वो रोड खुलवाने में नाकाम है। अब जो है वो ट्रैफिक पे रोड सड़कों पर ये बैठे हुए हैं। आवाम जो है वो शदीद परेशान है और इस परेशानी के बायस जो है वो शहरी को काफी मुश्किल का भी सामना जो है वो करना पड़ रहा था। अब जो है वो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो है वो रोड से जो है वो गुजर रही है और अब जो है वो ये इतला मौजूद है कि ट्रैफिक के लिए रोड खोल दिया गया, एहतजाज खत्म कर दिया गया है। अब से अभी ये बिल्कुल ताजा पहली सूरत हाल ये मौसूल हुई है कि पुलिस से वो सड़क खुलवाने में जो है वो कामयाब हो गई है, रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो यहाँ से साइड पर रवाना हो गए, मुजाकरात किए हैं पुलिस से और अब जो है वो दोबारा से जो है वो जो मुजाहिरीन थे वो जो होटल था वहाँ पर जमा हो गए और रोड को जो है वो बकायदा प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जी ठीक है अनुषा, ये भी बताइएगा आप भत्ताखोर की बात करे थे, भत्ताखोर कौन लोग बताए जा रहे हैं। आपकी आवाज़ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने चाय के होटल वालों का इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज दिखाई दे रहा है और एहतजाज के बाद एम्प्रेस मार्केट के सामने का रोड ट्रैफिक के लिए बंद है।